नमस्कार, फास्ट न्यूज इंडिया में स्वागत है आपका। मैं स्वाति, और आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों पर। कुशनगर के कसिया में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरे पार्टी के लोगों को गठबंधन सरकार को मजबूत करने के लिए किया अपील, जिसमें सुनैना सिंह कुशवाहा, लोकसभा प्रभारी देवरिया का कहना है कि आने वाले लोकसभा इलेक्शन में गठबंधन की सरकार होगी। कुशनगर से हमारे संवाददाता ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट। परिचय बताएंगे आप? मैं सुनैना सिंह कुशवाहा लोकसभा देवरिया से हूँ, और लोकसभा कुशनगर के प्रभारी के रूप में मुझे भेजा गया है, और मैं सपा की महिला समाजवादी की प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। आने वाले इलेक्शन में अपनी पार्टी से क्या उम्मीद रखती हैं? आने वाले इलेक्शन में हम अपने पार्टी से और गठबंधन से हम यही उम्मीद रखते हैं, आने वाले 2019 में हमारे गठबंधन का सरकार होगा, और आने वाले 2022 में पूर्ण रूप से हमारा समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का एक फुल प्लेस सरकार, ये उम्मीद रखते हैं, और जनता को भरपूर सहयोग मिलेगा, और जनता के मुताबिक इस धरती पे कार्य भी होगा, क्योंकि हमें अपने नेतृत्व पे भरोसा है, अपने नेतृत्व पे विश्वास है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या था जो आज आयोजित हुआ है? आज जो कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, और कार्यकर्ताओं में ये उत्साह भरा गया कि आज जिस तरीके से इस देश का लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, इस देश का जो देश को अच्छी दिशा देने वाली जो विचारधारा है वो खतरे में है, इस संविधान को लोकतंत्र को बचाने के लिए आपको जगना होगा। अगर आप ऐसा नहीं जागते हैं तो हम बीते दिनों में जो इस भाजपा के नेता जो साक्षी महाराज है, उन्होंने अपना बयान दिया था कि अगर इस बार भाजपा आ गई सरकार में तो कई सालों तक इस देश में चुनाव नहीं होने वाला है। फतेहपुर सदर अस्पताल में जमकर लापरवाही हो रही है, मरीज भटकता रहता है किंतु डॉक्टर मानवाधिकार का खुला मजाक उड़ाते हुए नजर आते हैं। अपने केबिन से ही डॉक्टरी करना चाहते हैं या फिर संविदा कर्मियों के द्वारा ही अस्पताल चलाना चाहते हैं। सेवा भाव के अभाव में गरीब मरीजों को आत्मीयता का इलाज नहीं मिल पाता, जबकि सरकार ने दवाएं पूर्ण दे रखी है, फिर भी आनाकानी होती है। फतेहपुर से हमारे संवाददाता शौर कुमार तिवारी की ये रिपोर्ट। आप कितने लोग हैं? आप तीन लोग हैं। एक क्या नाम है आपका? आपके क्या नाम बताया मैडम आपने? तारावती जी, आप बताइए आपकी ड्यूटी इमरजेंसी उसमें लगती है इवनिंग में। आप 13 तारीख है, कौन सी तारीख है? 13 तारीख है। ये 13 तारीख तक की आपकी ड्यूटी कैसे लगेगी? 13 तारीख इवनिंग करेंगी, 12 को इवनिंग करेंगी, इसलिए इसमें ड्यूटी इसलिए लगा है। हाँ। हम यहाँ तक जो है इवनिंग ड्यूटी करेंगे, इसके बाद मॉर्निंग ड्यूटी करेंगे, इसलिए जो है हमने अपनी लगा दी है। नहीं तो एडवांस में मैडम आज कोई अटेंडेंस रोल नहीं है, ये रोल इससे जो है अटेंडेंस केवल हमारा मैनेज किया जाता है। अटेंडेंस वहाँ लगती रजिस्टर में, सुनिए अच्छा जी, इस क्या लिखा है? ड्यूटी लिस्ट मंथ हाफ अप्रैल। आप सुनिए जी, जी जी, ये ड्यूटी रोस्टर जी जी, इससे ये मालूम होता है कि हम इवनिंग में आएंगे, ये मॉर्निंग में आएंगे। ये तो यहाँ ड्यूटी करने वाले डॉक्टर्स सेमेस जो भी हैं सबको पता है, लेकिन मैडम ये एडवांस ड्यूटी लगाना कि आप शाम को आएंगे सुबह आएंगे, आप रजिस्टर निकलवा के देखिए जिसमें ड्यूटी लिस्ट लगती है, वो बात सही है। अगर आप शाम को आना है, अटेंडेंस लगती है थंब से और रजिस्टर सिग्नेचर। नहीं आप कौन है? आप बताइए आप कौन? अभी मैंने आपसे पूछा था कि आप क्या है, तो अभी आप कुछ नहीं बताया। आप स्टाफ है? जब मैंने अभी आपसे पूछा तो आपने नहीं बताया कि स्टाफ नहीं, तो फिर सफाई भी देने के लिए ये मैटर ना, ऑफिस में रहते जहाँ रजिस्टर रखा, आप खुलवा के वहाँ देखिए किसकी ड्यूटी इवनिंग में लगी मॉर्निंग। हम जब इसमें पास रोस्टर रखा हुआ है, ये रोस्टर इस रोस्टर से मैनेज किया जाता है। अच्छा चलिए ठीक है, छोड़िए वो जो गरीब, एक मिनट उसको गरीब को जरा बुलाइए, वो कहाँ गया? वो कुष्ठ रोग पीड़ित है, उसकी आपके यहाँ ड्रेसिंग की गई, अभी तक उसको भर्ती के लिए कोई वार्ड नहीं दिया गया, कोई बेड नहीं दिया गया, ये सदर अस्पताल की स्थिति है आपकी, क्या कहना चाहते हैं आप बताइए? भाई साहब ने उसकी ड्रेसिंग किया था, उसके कीड़े अभी भी गिर रहे हैं, भाई साहब वो चाहे जितने दिन तक कीड़े गिरे, लेकिन उसको कहीं कोई जगह आपके यहाँ सदर में है? तीन बार स्वस्थ किया, दिखाने पर कहाँ चले, कहाँ ढूंढे, अभी वहाँ आप मिल गया। उसको अगर कहीं कोई बेड आप दे दें कि यहाँ पर ये बेड है, भाई या मेरे, जब उसको बेड ही नहीं मिला तो कैसे निकल जाएंगे? आप भर्ती नहीं है, भर्ती नहीं है, आप देख रहे हैं ये कन्फर्म भी नहीं है कि वो भर्ती है कि नहीं भर्ती,
अभी भी मुझे कंफर्म नहीं कि भर्ती है कि नहीं भर्ती। डॉक्टर ने तो कह रहा है भर्ती है। आप देख रहे हैं इनको खुद अपनी ड्यूटी का ये ज्ञान नहीं है कि कौन मरीज भर्ती है कौन नहीं भर्ती है। अरे भाई वो भर्ती नहीं है हमारा, ये ड्रेसिंग जो है कीड़े निकाले होंगे अपने पहले, भर्ती नहीं है तो कैसे पता। अभी आपने ये बात कही थी वो बात, ये देख रहे हैं किस तरीके से अपना पल्लू झाड़ने का काम कर रहे हैं। और मैं अब ये चाहूंगा कि वो गरीब यहाँ कब भर्ती हो रहा है और उसका इलाज किस प्रकार से चालू किया जा रहा है। इमरजेंसी आप कैसे बताएंगे, बताइए इमरजेंसी में बता रहे भर्ती नहीं। बयान सुनाएंगे आपको, सुनाते हैं उसके 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 बारे में डॉक्टर साहब क्या बता रहे हैं, उसके बारे में गरीब के बारे में क्या बता रहे हैं, वो जो गरीब यहाँ जिसका जो पस निकल रही है। हाँ उसको भर्ती नहीं आप करना चाहते क्या? ये क्या कह रहे हैं कि भर्ती नहीं है? नहीं, चार दिन से वो बोल रहा है कि मैं भटक रहा हूँ। अगर वो आपके पास आ गया तो आप उसको भर्ती आपको करना चाहिए कि नहीं, अब आप बताइए। अभी सुबह से मेरे यहाँ जो है हम देखो 2 बजे से ड्यूटी आए हैं, हमको उसके बारे में कुछ नहीं पता। ये जो है सुबह जो अभी ड्रेसिंग किए हुए या इनकी गारंटी थी भर्ती करवा, ये 4 दिन से है यहाँ पे। हमारा 4 दिन से नहीं है बिल्कुल, तो बयान कर रहा है मेरे यहाँ 4 दिन से नहीं है। आप देख रहे हैं ये मैडम जी 4 दिन से बयान कर रहा है, हाजिरी भी लगा करके पहले से पहले अपनी अटेंडेंस दर्शाने का काम कर रही हैं। और दूसरी बात ये है कि ये एक जो गरीब तड़प रहा है इधर मर रहा है उसको ये बता रही है कि हमारे यहाँ भर्ती ही नहीं, गरीब आकर के तड़प रहा है। कहाँ गया वो अंदर अंदर है। मिथिले के समाचार जानेंगे आगे के समाचार छोटे से ब्रेक के बाद। फिर से आप सभी का स्वागत है और आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। प्रयागराज थाना करेली द्वारा 15,000 का पुरस्कार घोषित अपराधी रवि कुशवाहा करेला बाग को गिरफ्तार किया गया। रवि कुशवाहा को पकड़ने के लिए बहुत दिन से पुलिस प्रयास कर रही थी, इसके ऊपर कई गंभीर धाराएं चल रही थी, कई मुकदमा पंजीकृत था। पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर ने थाना करेली की टीम द्वारा चलाए गए अभियान में गिरफ्तार किया। प्रयागराज से हमारे संवाददाता कुमारी मनोज सिंह की ये रिपोर्ट। करेली के बाद धूमनगंज, उसके बाद नैनी, लगा दो लाइन में धूमनगंज फिर नैनी, आराम से करीब 30-40 सेकंड बाद घटना हुई है, आपको टाइम मिल जाना चाहिए। एक अभियुक्त जो है ये महिला जो अपराध से रिलेटेड है, 304 बी का मामला था। इसमें जो अभियुक्त है रवि कुशवाहा पुत्र छेदीलाल कुशवाहा, ये करेली का रहने वाले हैं, 28 साल इनकी उम्र है। क्योंकि ये महिला अपराध से रिलेटेड था, 304 बी 498 का मैटर था, 3/4 डीपी एक्ट, इसलिए इसमें 15,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। इन्हें भी आज अरेस्ट किया गया करेली थाने पर। तीसरा मामला ये धूमनगंज वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर दोपहर वंदे भारत ट्रेन से सांसद प्रत्याशी बैजनाथ राजभर दिल्ली से वाराणसी दोपहर को पहुंचे। सुहेलदेव पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। मुख्य रूप से ब्रिजेश राजभर, जिला प्रभारी संतोष राजभर, अरुण राजभर, बसंत लाल सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। वाराणसी से हमारे संवाददाता संजय सिंह की ये रिपोर्ट। चंदौली में एक ही शेर वैजनाथ राजभर। जय सुहाले, वैजनाथ राजभर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है चक्कर में। क्यों पड़े हो चक्कर? Thank you.
आप अपना पर्चे दो। कैसा? आप अपना पर्चे दो। बैजनाथ राजभर। आप कहाँ से? मैं तो अभी दिल्ली से आ रहा हूँ। आप रहने वाले कहाँ से? मूलतः गाजीपुर का रहने वाला हूँ। मालूम चला है सर कि अभी आप चंदौली से आए बनारस ट्रेन से। हाँ। तो यहाँ क्या कार्यक्रम है या किस लिए आप आए हैं? जब आपको मालूम हुआ तो इसका मतलब आपको पूर्णतः मालूम नहीं है कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का मैं चंदौली का प्रत्याशी हूँ। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का नेतृत्व है और चंदौली से मुझे प्रत्याशी के रूप में उतारा गया है। बैजनाथ राजभर। आप चंदौली से इस चुनाव के पहले आप कोई चुनाव लड़े हैं? हाँ, उत्तराखंड में चुनाव लड़ा है, विधानसभा का, लोकसभा लड़ रहा हूँ पहली बार। इससे पहले भी विधानसभा चुनाव लड़े थे तो वहाँ क्या हुआ? स्थिति ठीक रही है, युवाओं का साथ रहा है, क्योंकि जहाँ युवाओं की भागीदारी होती है आदमी वहीं पे करवट बदलता है। और कोई सा भी चुनाव हो या कोई सा भी संघर्ष हो, बिना युवाओं के भागीदारी के सफलता नहीं मिलती है। बाकी शीर्ष जो बुजुर्ग वार होते हैं उनका नेतृत्व तो चाहता है। इस चुनाव की क्या आपकी तैयारी है? 2008 से यहाँ पे तैयारी हमारी है, 2008 से ये हमारा कर्म क्षेत्र रहा है। और अब जो है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने चंदौली में भेज करके उनके नेतृत्व को हम जो है इज्जत देंगे और मेहनत करके, संघर्ष करके, सीट निकाल करके और पार्लियामेंट में एक एमपी का ताज उनके सिर पर जरूर पहनाएंगे। और सर, आप बनारस में मुख्य रूप से आप क्या करने हैं? प्रेस वार्ता है या फिर? नहीं, प्रेस वार्ता नहीं है। आज मैं अपने सभी समाज के बुद्धिजीवियों से, समाज के युवाओं से और जो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं उन सब से मैं मिलूँगा, उनसे वार्तालाप करूँगा। जो थोड़े से रूठे हैं उनको मनाएंगे और जो माने हुए हैं उनसे आशीर्वाद लेंगे और जो रूठे हुए उनसे दोनों हाथ से आशीर्वाद लेंगे। और पार्टी के मुखिया आज और पार्टी के मुखिया भी हमारे आज शाम तक आने वाले हैं, उनका भी आशीर्वाद लूँगा और उनके सामने जो है हम लोग बैठ करके रणनीति बनाएंगे कि चंदौली को हम किस तरीके से जीत सकते हैं, उनके नेतृत्व को हम लोग स्वीकार करेंगे। ये तरीके समाचार आए कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।